अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक हुए, काफी अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीडियो क्लिप के बारे में जिसे देखकर इंसान चौंक जाता है। चौंक क्यों जाता है, वीडियो ही कुछ ऐसा है। एक बहन ने जो है ना अपने भाई का कत्ल कर दिया है। कत्ल क्यों कर दिया है, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस बहन ने अपने भाई का कत्ल क्यों किया है, कि हम लोगों का हाल क्या हो चुका है, हम लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो क्लिप प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कश्मीर के बहुत सारी बहन भाई चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों का कश्मीरी ब्रदर हूं और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चले जी, पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। बहन ने गला दबाकर अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों किया गया, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस बच्ची का ये मानना था कि हमारे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा मेरे भाई से प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा मेरे भाई की हमायत करते हैं, जिसके चलते इसने अपने छोटे भाई का गला दबा दिया और उसका कत्ल कर दिया। जब पेरेंट्स शाम को काम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि इनका बेटा एक शीट के नीचे सो रहा है। यानी पेरेंट्स को ऐसा लगा कि ये सो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कोई हरकत नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी ये कोशिश नाकाम रही, उन्होंने शीट हटाई तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मामला देखा। उन्होंने देखा कि उनके बेटे का गला दबाया गया है और उसका कत्ल हो चुका है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। और इस बेटे की मां का कहना है कि इस वक्त जब यह हादसा पेश आया है, इस वक्त हमारे घर पर सिर्फ हमारी बड़ी बेटी थी, और जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस यहाँ पर। जैसे कि आप सभी दोस्त ने वीडियो क्लिप देख लिया, तो चलो दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।